वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 15% बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने बटन दबा करके 88 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के खातों में 1037 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी की, तो सभागार तालियों से गूंज उठा। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ा करके अब 1150 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने दोपहर को 1:30 बजे के करीब झुंझुनू पहुंचे और यहां पर केशव आदर्श विद्या मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम ने लाभार्थियों से संवाद किया। अन्य जिलों के लाभार्थी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन से लाभार्थियों को आर्थिक संबल मिलेगा, हमारी सरकार को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब को गणेश मानकर जनता के बीच खड़े हैं और हमारी सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें होती हैं वो अपना जो घोषणा पत्र लेकर के जाती हैं, संकल्प पत्र लेके जाती हैं, उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करती हैं। राजस्थान के अंदर जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम चुनाव में गए थे, हम धीरे धीरे उस संकल्प पत्र को पूरा कर रहे हैं और आज हमने इस ऐतिहासिक जिला झुंझुनू जवान और किसानों की ये धरती है, यहाँ से आज हमने राजस्थान के 88 लाख से ऊपर उन सभी बुजुर्गों को, वरिष्ठ जनों को, दिव्यांगों को, सभी को हमने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम किया है। और वो इसलिए कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे और हमने पहली बार में जो 1000 रुपये थे उससे 1150 रुपये बढ़ा करके 88 लाख ऐसे सभी लोगों को हमने 1037 करोड़ रुपए से ऊपर आज हमने दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा, 3 जिलों को यमुना का पानी जल्द ही मिलेगा। दिनों में यमुना की हम जमीन को एक्वायर करने का काम हमारा यहाँ चलने वाला है, हमारी सर्वे का काम चल रहा है और उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे और हमने जो वायदा किया है हमारे शेखावाटी के 3 जिलों का। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी मिले हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात की और राहुल गांधी ने बिरला से उनके चैंबर में जाकर के भेंट की। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ विपक्ष के अन्य नेता भी मौजूद रहे, सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, मीसा भारती, कनिमोजी और इनके प्रेमचंद्रन यहां पर राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। इसके अलावा विपक्ष के कई सांसद भी इस दौरान उपस्थित थे, मौजूद थे। सभी ने काफी देर तक ओम बिरला से मुलाकात करते हुए चर्चा की। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। शाम को 5 बजे भाजपा सांसदों की बैठक होने जा रही है। बीजेपी के करीब 70 सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी दिल्ली से सबसे बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के करीब 70 सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी सांसदों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की एक बैठक होगी जिसमें करीब 70 सांसद शामिल होंगे।